आज अमेरिका उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मंत्री की करीबियों से मिले 35 करोड़। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की करीबी या चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी के अधिकारियों ने मंत्री आलमगीर के ओएसडी संजीव कुमार लाल समेत 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर करीब 35 करोड़ रुपए नकद बरामद किया। इस बड़ी रकम में करीब 30 करोड़ रुपए ओएसडी संजीव के नौकर जहांगीर आलम के यहां से मिले हैं। मतदान के साथ आज आधा समर समाप्त। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान मंगलवार को होगा। इस चरण की वोटिंग के साथ आधी से अधिक सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। अहमदाबाद के 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। तो गुजरात में लोकसभा चुनाव से एक दिन पहले सोमवार को अहमदाबाद के 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला। पुलिस ने इन सभी विद्यालयों की तलाशी लेने के बाद ईमेल को फर्जी करार दिया। मौसम 10 जिलों में तेज हवाएं चलने का अलर्ट। तो मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों में मंगलवार को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। हवा की वजह से जंगलों में आग और भड़क सकती है। सोमवार को जारी अलर्ट के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की भी संभावना है, लेकिन इससे जंगलों से बहुत राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को राज्य के देहरादून, हरिद्वार और टिहरी को छोड़कर बाकी सभी जिलों में तेज हवाएं चलेंगी। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा है। जिस तरह से उत्तराखंड के जंगलों में आग विकराल रूप ले रही है, उसमें तेज हवाओं की वजह से जंगलों में आग और भड़क सकती है। दून का पारा 38.4 डिग्री सेल्सियस। तो दून में पारा लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को देहरादून में दिन का तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले कुछ दिन से दून में पारा लगातार 38 पार चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट की याचिका पर सुनवाई 17 मई तक स्थगित। तो उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई 17 मई तक के लिए स्थगित कर दी है। मोरी में पेड़ गिरने से बाइक सवार 2 लोगों की मौत। तो पुरोला मोरी मोटर मार्ग पर हिसार बैंड के पास सोमवार शाम को आंधी के कारण चीड़ का पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गया। इसकी चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दोनों लोग मोरी की ओर जा रहे थे। मृतक प्रकाश नोटियाल अध्यापक और शाहिद नाई की दुकान चलाता था। NIT परिसर में छात्र ने दी जान। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के कोझिकोड परिसर में सोमवार को एक छात्र ने कथित रूप से इमारत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। विशाल PCS जे टॉपर बने। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सोमवार शाम को उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2022 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया। विशाल ठाकुर PCS जे परीक्षा 2022 के टॉपर बने, जबकि सृष्टि बनियाल ने दूसरा और योगेश गुप्ता ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। ओंकारेश्वर मंदिर से डोली केदारनाथ के लिए रवाना। तो भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने की प्रक्रिया को लेकर के सोमवार को बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली उखी मठ से केदारनाथ के लिए रवाना हो गई। रुड़की में हाथी ने बुजुर्ग किसान को मार डाला। तो भुगावाला के हरिपुर डोंगिया में सोमवार सुबह टहलने गए एक बुजुर्ग किसान को हाथी ने कुचलकर मार डाला। सुनीता विलियम्स तीसरी बार अंतरिक्ष की उड़ान भरने को तैयार। तो भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 58 साल की उम्र में मंगलवार को बतौर पायलट तीसरी बार अंतरिक्ष की उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। वह बुच विलमोर के साथ बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेंगी। 10वीं और 12वीं में फिर चमकी बेटियां। तो ICSE 10वीं में बेटियों का पास प्रतिशत 99.65 जबकि 12वीं में 98.92%।
काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के 10वीं और 12वीं के नतीजों में बेटियों फिर अव्वल रही। सोमवार को जारी परिणाम में 10वीं पास प्रतिशत 99.47% जबकि 12वीं का 98.19% रहा। 10वीं में 99.65 बेटियाँ 99.31 बेटे पास हुए। उत्तराखंड में जंगल की आग बेकाबू, एनडीआरएफ को मोर्चे पर उतारा तो सख्ती, बार बार आग लगाने वालों पर लगेगा गैंगस्टर, नुकसान की वसूली होगी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जंगलों में आग का मामला। जंगल में आग लगाते 10 लोग पकड़े तो रुद्रप्रयाग से खबर है। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग की टीम ने रामबाड़ा अनुभाग में 6 लोगों को जंगल में आग लगाते हुए पकड़ा। लापरवाही मिल रेंज अधिकारी को किया टैच। आधा चुनावी समर आज निपट जाएगा। नीट यूजी परीक्षा में बिहार से 13 और गिरफ्तार। तो नीट यूजी परीक्षा में धांधली मामले में पुलिस ने 13 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम इन सभी की तलाश में रविवार से ही ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। आरोपियों से सेंटर अभ्यर्थियों और उनके अभिभावक शामिल हैं। विशाल पीसेज के बने टॉपर। T20 वर्ल्ड कप के दौरान आतंकी हमले की धमकी। तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने वाले T20 विश्व कप के दौरान आतंकी हमले की धमकी मिली है। मोदी ने अपने डांस का वीडियो साझा कर दिल जीता। जंगलों में आग लगाने वालों पर गैंगस्टर होगी संपत्ति जब्त। तो प्रदेश में जंगलों की आग के लगातार सामने आ रही घटनाओं के दृष्टिगत प्रदेश सरकार सख्त हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में मुख्य सचिव राधा रतोड़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि जंगलों में बार बार आग लगाने की घटनाओं में पकड़े जाने वाले व्यक्तियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। भ्रष्टाचार से लूटा पैसा जनता को लौटाने का कानूनी रास्ता तलाश रहा हूं। केजरीवाल पर NIA जांच की आंच। आतंकी संगठन से चंदा लेने का आरोप। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। उनके खिलाफ अब प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से राजनीति चंदा लेने का आरोप लगा है। दरोगा की बेटी की हत्या, नहर में कूदे दोस्त पर शक। तो दरोगा की बेटी की गला रेत कर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिस युवक पर हत्या करने का संदेह है वो नहर में कूद गया, उसकी तलाश जारी है। शिक्षक समेत 2 की मौत। तो तहसील के पास सोमवार शाम देहरादून से मोरी की ओर जा रही बाइक के ऊपर आंधी तूफान से एक चीड़ का पेड़ गिर गया, जिससे शिक्षक सहित 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। कार्डियोलॉजिस्ट और कैथ लैब टेक्नीशियन की होगी नियुक्ति। तो चुनाव आयोग ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में भर्ती को मंजूरी दी। 7 विभागों में तैनात होंगे 163 सहायक अभियंता। तो प्रदेश के 7 सरकारी विभागों को 7 दिन के भीतर 163 इंजीनियर मिलेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सहायक अभियंता भर्ती अंतिम परिणाम जारी करने के बाद कार्य विभाग ने सभी विभागों को चयन की संस्तुति भेज दी है। दुर्गम में ही रहना है तो अनिवार्य तबादले से पहले देना होगा विकल्प। तो प्रदेश में हर साल दुर्गम से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य तबादले के बाद कई शिक्षक दुर्गम में ही बने रहना चाहते हैं, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। तबादला आदेश जारी होने से पहले इस तरह के शिक्षकों को दुर्गम में ही बने रहने का विकल्प देना होगा। पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक राजीव कुमार नाथ त्रिपाठी निलंबित हुए। केजरीवाल के विरुद्ध LG ने की NIA जांच की सिफारिश। उत्तराखंड में बेटों से आगे निकली बेटियां। पहली बार जारी नहीं हुई मेरिट सूची। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो IGI एविएशन सर्विस में 1074 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 22 मई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रबंधक अभियंता के 80 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए
20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। तेजपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के 75 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी ने जारी किया विज्ञापन, तो 417 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 65 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 मई तक आवेदन कर सकते हैं। डाक विभाग में नौकरी के मौके, तो 27 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रयाग में 22 मई से रामलीला मंचन होगा। उत्सव डोली आज फाटा को निकलेगी, तो भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल बिगड़ा। उत्सव डोली सोमवार देर शाम को गुप्तकाशी पहुंची, जहां से ही मौजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने डोली का फूल वर्षा के साथ स्वागत किया। अतिथि देवो भव के भाव से काम करें, उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत करेगी यात्रा। बैठक जोशीमठ में, यात्रा में व्यापारियों से मांगा सहयोग। सीएम 9 को करेंगे यात्रा का शुभारंभ, तो चारधाम यात्रा 9 मई से विधिवत शुरू होगी। तैयारियों को लेकर के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूजा गर्ब्याल ने सोमवार को ISBT ट्रांजिट कैंप पहुँचकर स्थलीय निरीक्षण किया। माणा गांव में लोग घरों और दुकानों को संवारने में जुटे, पांडुखाल दिवाली मार्ग में गड्ढे ही गड्ढे। देवताओं में आस्था के आगे जंगल की आग भी बेअसर हुई। पिथौरागढ़ में पानी के लिए सड़क पर उतरी जनता, सेना में भर्ती का प्रशिक्षण दे रहे पूर्व फौजी। चंडाक के लोगों में पेयजल संकट का आक्रोश, हाई स्कूल में माउंट कार्मल स्कूल की प्राची बनी टॉपर। चंपावत में सर्किल रेट के आधार पर होगा भवन कर। नगर निगम वोटर लिस्ट में 12 मई तक दर्ज हो सकेगा नाम, तो स्थानीय निकाय चुनाव के लिए प्रशासन स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। सोमवार को नगर निगम कार्यालय में वोटर लिस्ट लोगों के देखने के लिए रख दी गई। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए संबंधित फॉर्म भरकर निगम कार्यालय में ही जमा कराया जा सकता है। नगर निगम क्षेत्र के लोग 12 मई तक वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा सकते हैं। घरों में खाली बर्तनों से हो रहा लोगों का स्वागत, कैची धाम में श्रद्धालुओं से ठगी अंगूठी बरामद की। नैनीताल में पानी की कटौती शुरू हुई, हेडपंप खराब होने से पानी की परेशानी झेल रहे ग्रामीण। लाल कुआं गोला निकासी गेट से कंप्यूटर और उपकरण चोरी हुए। रामनगर सीजन में न्यूनतम स्तर पर कोसीगा जलस्तर, पहले दिन OMR सीट भरने में उलझे छात्री। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की सोमवार को सेमेस्टर परीक्षा के पहले दिन OMR सीट युक्त उत्तर पुस्तिका भरने में छात्री उलझते रहे। हल्द्वानी रामनगर काशीपुर चैंपियन बना, लोक अदालत में 1451 मामलों की सुनवाई हुई। ITI में प्रवेश बढ़ाने को गाँवों में लगेंगे चौपाल, सीएम 9 को करेंगे यात्रा का शुभारंभ। पंजीगढ़ का आंकड़ा 21 लाख के करीब पहुंचा, मौसम 10 जिलों में तेज हवाएं चलने का अलर्ट है। मसूरी में सभासद सीट के आरक्षण मामले में जवाब दे राज्य सरकार, कांग्रेस पार्षद पद के लिए 280 आवेदन हुए। अपने जन्मदिन का केक और युवती का गला काटा, तो रायवाला क्षेत्र में गला कटी लाश मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। PG डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार, मरीज परेशान हुआ। दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा MBBS का छात्र धरा गया, दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। दुष्कर्म के बाद पति को भिजवाया वीडियो, तो महिला से दुष्कर्म के बाद आरोपी फौजी ने पीड़िता के पति को इसका वीडियो भिजवा दिया। इससे पहले वीडियो को सोशल मीडिया साइट पर लाइव आकर दिखाया। राजपुर थाना पुलिस ने महिला की तहरीर पर सोमवार को मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता और आरोपी चमोली जिले के रहने वाले हैं, महिला के पति विदेश में नौकरी करते हैं। 3 करोड़ की मशीन 25 ऑपरेशन के बाद हुई कबाड़, काठ गोदाम में अतिक्रमण ध्वस्त किया जाएगा। तो रेलवे स्टेशन तिराहे से नरीमन चौक तक सड़क की कराई पैमाइश, भवाली में कार की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया। गरीब रथ एक्सप्रेस 6 घंटा देरी से पहुंची, चौकी प्रभारी को स्कूटी सवार ने मारी टक्कर, तो हल्द्वानी से खबर रही है। ट्रेन का अनारक्षित टिकट मोबाइल ऐप से खरीदें, शहर की 2 रोड 1.5 करोड़ से होगी दुरुस्त। वन कर्मियों ने कोसी में अवैध खनन पकड़ा, JCP सीज किया। ICSE बोर्ड रिजल्ट में सुधार, लड़कियां आगे रही।
अर्नव भट्ट ने 10वीं के बाद 12वीं में किया टॉप। मसूरी के छात्रों का शानदार प्रदर्शन रहा। समर वैली स्कूलों के छात्रों ने मारा मैदान। टचवुड स्कूल में आरओसी रही 10वीं की टॉपर। देवाल के राठा गदेरे में एक बुजुर्ग का शव मिला। पछवादूरना में बिजली की आंख मिचौली से दिक्कत रही। कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। उच्चीकृत जुहा स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती हो। मकान में लगी आग, सामान जलकर राख, तो सेला कोई से खबर रही है। आसन का अस्तित्व बचाने को डीएम से गुहार की गई। कर्णप्रयाग में रोड पर पेड़ गिरा। कटापत्थर में हादसे रोकने का इंतजाम नहीं है। अंग्रेजी शराब की दुकान के बोर्ड से भड़की आग। भतरोज खां में गोवंश हत्या में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए, तो एसएसपी ने किया प्रकरण का खुलासा। अल्मोड़ा, रामपुर और उधमसिंह नगर के हैं आरोपी। हथियार और वाहन बरामद हुए। महिलाओं के शोषण के विरोध में उतरी कांग्रेस। साइबर ठगर ने पति पत्नी के खाते से उड़ाए 2.14 लाख। जागेश्वर धाम न अस्थायी चौकी बनी और न ही जाम से मिली निजात। सूर्य कुमार के तूफानी शतक से मुंबई की उम्मीदें बरकरार, तो मुंबई के वानखेड़े में हैदराबाद को 7 विकेट से शिकस्त दी। चावला और हार्दिक ने 3-3 विकेट अपनी झोली में डाले। यात्रा पंजीकरण के लिए खुलेंगे 6 काउंटर, तो हरिद्वार से खबर आई है चारधाम यात्रा की। शुरुआत से पहले श्रद्धालुओं के लिए मैनुअली पंजीकरण की सुविधा शुरू की जाएगी। चारधाम यात्रा एआरटीओ में बन रहे हैं वाहनों के ग्रीन कार्ड। रुड़की में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा सोमवार, तो लगातार बढ़ रही गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। अस्पतालों के ओपीडी में हुआ इजाफा, तेज धूप के चलते बाजारों में पसा सन्नाटा। बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए पीने तक का पानी तक नहीं है। वहीं खबर है रुड़की से मासूम की जहरीला पदार्थ पीने से बिगड़ी हालात। शहर के 5 घंटे बत्ती गुल रहने से बड़ी मुसीबत। नगर निगम ने हंगामे के बीच अतिक्रमण हटाया, तो रुड़की से खबर आई है लंडोरा में नगर पंचायत ने 20 दुकानों के चालान काटे। छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर समा बांधा। जंगल की आग बुझाने को प्रशासन ने झोंकी ताकत, तो आग बुझाने के लिए होगा कृत्रिम बारिश पर विचार। उत्तराखंड के जंगलों में आग मामले में सुप्रीम सुनवाई कल, तो सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कहा है कि वह उत्तराखंड के जंगलों में आए दिन लगने वाली आग की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को समुचित कदम उठाने का आदेश देने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। उत्तराखंड को सबसे अधिक खतरा, तो एक हफ्ते में 5,000 से अधिक अलर्ट मिले। बढ़ रही है वन अग्नि की घटनाएँ। तापमान 1 डिग्री गिरा, आज से बारिश के आसार हैं। निजी ट्रैवल एजेंसियों के कूदने से सस्ती हुई आदि किरास यात्रा। शहर से गांव तक बिजली कटौती हुई। तारामंडल योजना की टेंडर प्रक्रिया शुरू करें। किशोरी से दुष्कर्म में प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार, तो हरिद्वार से खबर आई है पुलिस ने सोमवार को रुड़की की किशोरी के साथ दुष्कर्म की वीडियो वायरल करने के मामले में मुख्य आरोपी प्रॉपर्टी डीलर को गिरफ्तार किया है। चोरी करते रंगे हाथ युवक को पकड़ा। गोल्ड मेडलिस्ट बेटी की हत्या से हर कोई हैरान है। प्रेम विवाह पर युवक के पिता की हुई थी हत्या, तो कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी एक युवती से प्रेम विवाह करने पर उत्तर प्रदेश निवासी एक युवक के पिता की रविवार को मारपीट कर हत्या कर दी। नरसिंह बटर पाधेड़ की हत्या के बाद सकते में है ग्रामीण। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर की तैयारी शुरू हुई। गुड्डू हत्याकांड में रुड़की पुलिस के हाथ खाली हैं। रायवाला में दरोगा की बेटी को गला रेत कर मार डाला। अल्मोड़ा से लेकर बागेश्वर तक सुलगते रहे जंगल। 11 मई तक पराली जलाई तो होगी कड़ी कार्रवाई। गढ़खेत, धर्मघर, बैजनाथ में धधके जंगल। सोमेश्वर में कन्या हाई स्कूल तक पहुंची जंगल की आग। अल्मोड़ा के कपड़खान में बरसे में घरों में घुसा पानी। बागेश्वर में झमाझम वर्षा, दिन में छाया अंधेरा। सफ़ेद गिद्ध दिखने पर बना रहा कोतवाल, तो सरयू नदी किनारे सफ़ेद गिद्ध दिखने से कोतवाल बना रहा। लोगों का मानना है कि जंगलों में आग के कारण अधिकतर पक्षी भी पानी की तलाश में नदी के किनारे तक पहुंच रहे हैं।
हीट वेव का अलर्ट विभाग ने जारी किया एडवाइजरी। ध्रुवा की बेटी की हत्या कर नहर में कूदा आरोपित, तो आरोपित ने चाकू से काटा युवती का गला। हत्या के कारणों का पुलिस नहीं लगा पाई पता। रायवाला के निकट मिला शव। शुक्लापुर में विभाग ने गुलदार पकड़ने को लगाया पिंजरा, तो प्रेमनगर क्षेत्र के पास शुक्लापुर अम्बीवाला में गुलदार की दहशत को देखते हुए वन विभाग ने पिंजरा लगा दिया है। प्रेमिका के खर्चे पूरे करने के लिए बना मुन्ना भाई धरा गया। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। फौजी ने महिला से दुष्कर्म कर बनाया वीडियो। तो सेना में तैनात एक युवक ने शादीशुदा महिला के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपित ने अश्लील वीडियो बनाते हुए उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसके बाद अपने दोस्तों को भी महिला के घर भेजा। जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपित के दोस्त ने अश्लील वीडियो विदेश में नौकरी कर रहे महिला के पति को भेज दिया। रायपुर थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। इंजीनियर आईएएस बनना है सपना। 12वीं की टॉपर अनन्या अब लंदन में लेंगी उच्च शिक्षा। माँ का साया उठा तो दादी ने संभाला। घंटों पढ़ाई नहीं विषय की गहनता को समझें तो एक लक्ष्य से पार पाकर अब दूसरा लक्ष्य साधने में जुटे देहरादून के मेधावी छात्र छात्राएं। द हेरिटेज स्कूल का 100% रहा परिणाम। बेकाबू जंगल की आग पर हेलीकॉप्टर ने बरसाया पानी। जंगल की आग को लेकर के पुलिस अलर्ट हुई। जंगलों की आग से बचाव को पौड़ी और अल्मोड़ा में एनडीआरएफ को जिम्मा। 10 नोडल अधिकारी जंगल की आग की रोकथाम की करेंगे निगरानी। यात्राकाल में बनाए बेहतर यातायात कार्य योजना। गुप्तकाशी पहुंची बाबा केदार की डोली। चारधाम के लिए प्रतिदिन होंगे 4000 ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड की कुंजगढ़ नदी में जल प्रवाह शून्य है। चौगुटिया में संदिग्ध हालत में मिला मृत मिला सेल्समैन। गो हत्या के 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तो अल्मोड़ा से खबर ही है। गोवंश मामले को लेकर के विभिन्न संगठनों में रोष है। 7 जिलों में 130 पार्किंग की गई चिन्हित, खड़े होंगे 70,000 वाहन। कर्णप्रयाग में आज 9 घंटे बंद रहेगा बद्रीनाथ हाईवे। जानकी चट्टी खरसाली से यमुनोत्री धाम तक हो नशा मुक्त क्षेत्र घोषित। बाबा केदार की पंचमुखी विग्रह डोली धाम रवाना हुई। नगर निगमों में मेयर के आरक्षण में होगा बदलाव, भाजपा व मोदी आरक्षण समर्थक। शराब कारोबारियों ने 71 लाख रुपये और जमा कराए, तो देहरादून से खबर रही है। उत्तराखंड आने वाले निवेशक का हमारे ब्रांड एम्बेसडर। गोपाल कृष्ण महाराज के अंतिम दर्शन को उमड़े हजारों अनुयायी। शिक्षक सहित 2 की मौत हो गई। भ्रष्टाचार में नैनीताल दुग्ध संघ के GM को हटाया गया। खेल विभाग के हॉस्टल तक पहुंची आग, छात्रों ने भागकर बचाई जान, तो पौड़ी से खबर है। मुख्यालय के पास जंगलों में लगी आग खेल विभाग के हॉस्टल तक जा पहुंची। वन अग्नि कार्रवाई में कम से कम रिस्पांस टाइम। हेलीकॉप्टर से बुझाई डोब श्रीकोट के जंगल की आग। शक्ति कूड़े के ढेर में अगर आग लगाई तो होगी कार्रवाई। 36 दिन रहे भारी 482 जगह धधके जंगल। वनों की आग से राज्य सरकार की नाकामी उजागर। बेरोजगारी अप्रैल में बढ़कर 8.1%, 47 लाख लोगों का छीना रोजगार। इसी के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें राज्य के दूध पर्यवेक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षक परिषद द्वारा 23 हेतु अभिलेख सत्यापन के संबंध में, तो 13 और 14 मई 2024 को परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया जाना निर्धारित है। अभिलेखों की जांच से संबंध में अभ्यर्थी हेतु सत्यापन कार्यक्रम व चेकलिस्ट व अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट pcs.uk.gov.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी उक्त का अवलोकन करते हुए निर्धारित कार्यक्रम अनुसार परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। ICSE में 99.19 और ICSE में 97.89% बच्चों ने चढ़ी सफलता की सीढ़ी। इस साल नहीं होगी कंबाइंडमेंट परीक्षाएं। मेरिट लिस्ट CISE ने भी माना खराब अभ्यास। टीवी मोबाइल से दूर रहे मेधावी।
प्रेमिका के खर्चे पूरे नहीं करने के लिए बना मुन्ना भाई गिरफ्तार, तो नीट में परछात्री की जगह रविवार को परीक्षा देने पहुंचा ABBS द्वितीय वर्ष का छात्र। सड़क हादसे की जांच कर कमेटी 15 दिन में देगी रिपोर्ट। दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। नगर निगम चुनाव को लेकर के चढ़ा सियासी पारा, तो भाजपा कांग्रेस की सांगठनिक बैठक आयोजित, नगर निगम चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई। दून अस्पताल के डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार, दिन भर भटकते रहे मरीज। पानी की बर्बादी पर 10 नोटिस जारी, नई पाइपलाइन बिछाने के लिए दिए निर्देश। अचानक बढ़ा अलकनंदा नदी का जलस्तर, NTPC के तटबंध टूटे, तो ऊपरी क्षेत्र में हुई बारिश से नदी में बढ़ गया पानी। आंधी तूफान से बाइक के ऊपर गिरा पेड़, शिक्षक से दो की मौत हो गई। घर से शादी में शामिल होने के लिए निकला, गधेरे में मिला शव, तो देवाल से खबर है। ब्लॉक एरटा गांव के एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गधेरे में मिला। झील का जलस्तर घटने से नई टिहरी पंपिंग योजना प्रभावित हुई, पानी की आपूर्ति न होने पर AE को घेरा। छात्र घर से ला रहे पानी, तब बन रहा मिड डे मील, तो गोपेश्वर से खबर रही है। खेल विभाग के हॉस्टल तक पहुंची आग, छात्रों ने भागकर बचाई जान। रुद्रप्रयाग 10 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र जला। शादी समारोह छोड़ आग बुझाने में जुटे लोग, तो गैरसैंण देवाल थाना से खबर रही है। पुरोला में सूखे के कारण सेब के उत्पादन को हो रहा है नुकसान। गंगोत्री धाम यहाँ नहीं है शौचालय, पानी और स्वास्थ्य की सुविधा। बाबा केदार की उत्सव डोली धाम रवाना हुई। गढ़वाल विश्वविद्यालय के चित्रा गार्डन में फलों से लकलद हुए सेब के पेड़। पौड़ी में छात्रों ने लहराया परचम। हाई स्कूल की रिधिमा और इंटर में अनमोल ने जिले में रहे अव्वल। श्यामपुर वन पर भाग रहेगा अलर्ट, हाईवे किनारे 35 फाड़ ठेली वालों के चालन किए गए, तो ज्वालापुर से खबर ही है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में PhD प्रवेश प्रक्रिया शुरू, तो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में PhD प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उधर आंदोलित छात्र ने प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की है। 19 साल बाद दोबारा से शुरू की पढ़ाई, 10वीं की परीक्षा पास कर बनी मिसाल। शेर करने गए बुजुर्ग को हाथी ने पटका, दम तोड़ा, तो लड़की से खबर। एक गुस्से ग्रामीणों ने अस्पताल में किया हंगामा, मुआवजे की मांग की। मामा ने की मासूम को आरोपी के हवाले आकर बनाया था वीडियो, तो लड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के वायरल वीडियो का मामला। तो लड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी प्रॉपर्टी कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है। युवती के भाइयों पर लगाया बुजुर्ग की हत्या का आरोप। मंगलोर बाईपास पर फिसली बाइक, दिल्ली के युवक की मौत, दोस्त जख्मी है। वहीं खबर, लक्सर से ट्रैक्टर से कुचलकर 11वीं की छात्र की मौत हो गई। पाकिस्तानी श्रद्धालुओं ने कराया सिंधु नदी जल और गंगा का मिलन। चारधाम यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। धोखाधड़ी से दो बेटियों ने बुजुर्ग माँ का घर अपने नाम कराया, तो ज्वालापुर से खबर रही है। चलती गाड़ी पर गिरा जलता पेड़, बाल बाल बचा चालक, तो बेताल घाट में घरों तक पहुंची वनाग्नि, दहशत में कटी 50 परिवारों की रात। पिथौरागढ़ और चंपावत के लिए हेली सेवा फिर शुरू, मुंशियारी के लिए नहीं हुआ संचालन। 7 साल बाद 6 मई को 39 पहुंचा तापमान। बकायेदारों की संपत्ति जब्त करेगा सरकारी बैंक, सहकारी बैंक, तो हल्द्वानी से खबर ही है। मंडी चौकी इंचार्ज को स्कूटी से कुचलने की कोशिश, हाथ टूटा। वहीं खबर, हल्द्वानी से संदिग्ध हालत में मृत मिला लिपिक, तो कनिक सहायक के पद पर तैनात टीकम सिंह बिष्ट। बंदर के हमले से छात्रा घायल हो गए, तो गर्म पानी से खबर रही है। विकास में खो गए चाल खाल और पोखर, पानी के लिए तरसे वन्य जीव। आज 12 घंटे गुल रहेगी बिजली, तो हल्द्वानी से खबर रही है। सिविल पंचायती वनों को आग से ज़्यादा क्षति, नेपाल सीमा से लगे दिगाली चौड़ में धधकी आग। सूख रहे हल्कों से महापंचायत में उठी आवाज़, पानी दे दो सरकार। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की परेशानी हुई, तो चंपावत से खबर रही है। होनहार प्राची ने ICSE परीक्षा में किया विद्यालय टॉप।
दूनागिरी उद्यान को आग ने घेरा, अल्मोड़ा नगर तक पहुंची जंगल की आग, आसमान में राख की बारिश, धुंध के आगोश में नगर। बागेश्वर में 31 घटनाओं में 45.32 हेक्टेयर वन क्षेत्र जला। रानीखेत के मोनरी में कुल्हाड़ी से काटे 4 गोवंश, मांस पहुंचा दिया मुरादाबाद। तो रानीखेत के मोहनरिया में 4 गोवंश की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विद्यालय में हो आग से सुरक्षा के सभी इंतजाम। तो GIC अल्मोड़ा में 5 विकास खंडों के प्रधानाचार्यों की बैठक हुई। प्रयाग पोर्टल से प्रदेश में अब तक 254 को मिला रोजगार। वनाग्नि के कारण दून पंतनगर वाया पिथौरागढ़ हवाई सेवा बाधित रही। गेहूं की फसल कटी, अब धड़ल्ले से लगाया जा रहा बेमौसमी धान। बिजली कटौती से नाराज लोगों ने एई को घिरा। महिला ने 5 लाख ठगने का आरोप लगाया। घर में घुसकर ससुर बहू का सिर फोड़ा। तो रुद्रपुर से खबर रही है।